आपका जो एविक्शन रहा है ये सभी के लिए बहुत शॉकिंग रहा है। आपके लिए कितना शॉकिंग रहा है? बिकॉज आपके एविक्शन के बाद काफी कुछ ट्रेंड पे भी आप कर रही थी, क्योंकि सभी फैंस को ये बिल्कुल डिसीजन पसंद नहीं आया जो सीनियर्स ने लिया है। आप कितना शॉक्ड हुई थी जब ये डिसीजन सामने आया दैट यू आर एविक्टेड? मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एवरीबडी वॉज लाइकिंग मी. नॉमिनेशन सिर्फ एक मिला था. आई वॉज टोटली शॉक्ड, बट मैं यही सोच रही थी कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तो लोगों को ये चीज दिखेगी या नहीं दिखेगी. एंड लकीली फॉर्चुनेटली लोगों ने बहुत साथ दिया, लोगों ने बहुत प्यार किया, लोगों ने हैशटैग्स, सब जो एक्स कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने, सेलिब्रिटीज ने, पूरे पंजाब के सेलिब्रिटीज ने, दे ट्वीटेड फॉर मी दिस दे हाउ इट वाज जस्ट सो ओवरवेलमिंग एंड सो नाइस टू सी पीपल सपोर्टिंग. क्योंकि अगर मैं जनता की वजह से आउट होती तो मैं बहुत बहुत डिसअपॉइंट होती, बट मैं जनता की वजह से आउट नहीं थी. इनफैक्ट जनता ने तो मुझे सपोर्ट किया, हर जगह मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, दैट वी वांट टू सी यू बैक एंड यू डोंट डिजर्व टू बी आउट, यू डिजर्व टू बी इन द शो. या So, I think that is winning for me. Anyways, getting लोगों का दिल जीतना बहुत बड़ी बात है. You know, it's या a big deal and इट्स I'm fortunate कि मैंने वो चीज की. तारा, आपको कितने पर्सनल डीएम्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं? क्योंकि एवरीवन वाज शॉक्ड, येट अभी भी सब शॉक्ड में हैं। एवरीवन, जैसे आपने कहा कि एवरीवन वांट यू अगेन इन बिग बॉस 14, सो आपको किस तरह के मैसेजेस आए हैं पर्सनली? बहुत लाइक डेली के इतने मैसेजेस सोशल मीडिया से लेके और ये सब ट्विटर ये सब चीजों पे बहुत मैसेजेस आते हैं. एंड पीपल जस्ट वांट टू सी मी बैक एंड दे जस्ट वांट लाइक यू नो पीपल की ये लोग बस यही चाहते हैं कि यू नो वी वांट टू सी यू बैक इन द शो एंड वी वांट यू टू विन एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो यही चल रहा है तब से. एंड ऑफ कोर्स इफ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली गो एंड आई प्रूव एट लीस्ट टू माई फॉलोअर्स हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग मी कि यस यू नो इट वॉज वर्थ 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 योर सपोर्ट एंड आई विल डेफिनेटली डू वेल इफ आई गो इनसाइड दिस टाइम. जैसे कि आपने कहा, काफी र्यूमर्स इन दिनों आए हैं कि यू आर अगेन गोइंग इन बिग बॉस 14 के हाउस में, तो एनी सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन यू वांट टू गिव ऑन दैट? ऑनेस्टली अभी तो मेरा आईज का चल रहा है, सो इट्स गोना टेक अनदर 15-20 days टू गेट सेटल डाउन. तो अभी तो मैं यू नो माई हेल्थ इज फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ ठीक होगी, उसी के बाद आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनी थिंग. एम नाउ यू सी लाइक आई इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन माई आईज बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी. तो ऐसे वहां पे तो पूरी लाइट्स होती हैं, हाउस में बहुत सारी चीजें होती हैं. सो हेल्थ इज फर्स्ट एंड देन 10-15 दिन के बाद वी विल सी वट वी प्लान, वी माइट यू नो टेक इट ऑन अनदर लेवल. ओके सारा, जब आपका एविक्शन हुआ तो कई सारे लोगों ने इस नेपोटिज्म से भी जोड़ा गया, क्योंकि जान जहाँ थे वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेस्टेंट में से देखे जा रहे थे बिग बॉस 14 में। इंस्टेड ऑफ उन्हें एलिमिनेट करना, आपको सीनियर्स ने एलिमिनेट किया, तो कहीं ना कहीं जितने भी नेटिजन फैंस थे उन्होंने नेपोटिज्म को भी एक रीजन माना इसका। आपका क्या राय है इससे? मुझे भी ऑनेस्टली अब लगने लग गया है ये चीज. ऑनेस्टली मुझे ये चीज लगने लगी है क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि यार वो तो कहीं दिखेगा, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा है, मैं क्यों बाहर हूँ. अब अगर खुद की पहचान बनानी है तो खुद की पहचान बनाओ. अपने फादर या अपने मदर या किसी के भी नाम से, कजन के नाम से, यू कैन नॉट डू दिस. दिस इज नॉट राइट. आप एक्चुअली शो में कुछ नहीं कर रहे हो. आई वॉन्ट से दैट आई वॉज द मोस्ट लव्ड लव्ड कंटेस्टेंट, आई वॉज नॉट द लीस्ट लव्ड कंटेस्टेंट. आई वॉज डूइंग समथिंग इन द हाउस, चॉपिंग माई हेयर टू द टास्क, डूइंग द होम थिंग्स टू एवरी थिंग, जेलिंग अप विद पीपल, एवरीबडी लव मी. आई थिंक आई एम द ओनली कंटेस्टेंट जिसके जान लोग पागलों की तरह रोए हैं यार. यू नो हु डज दैट इन जस्ट 1 week. सो अगर मैंने ये चीजें की हैं, और मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है अगर ये चीज है कि तुम जस्ट बिकॉज यू आर अ स्टार किड, आई डोंट नो इफ यू आर वट एवर इफ यू आर देयर बिकॉज ऑफ आई डोंट नो कुछ भी है, फिर तो फिर गलत है, बहुत गलत है. और अभी मुझे न्यूज आ रही है शहजाद की भी, दैट ही इज कमिंग आउट एंड ही इज नॉट लाइक जान इज स्टिल देयर. सो दैट इज अनदर शॉकिंग थिंग. दिस इज अगेन वेरी अनफेयर. यू नो दिस इज सो अनफेयर. यू कैन जस्ट डू इट. आप गलत कर रहे हो, फिर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है. आई एम रियली सॉरी सारा, कॉल आ गया था, रियली सॉरी दैट्स फॉर इट। ओके. या यू कैन कंटिन्यू, लाइक आपने कहा था कि शहजाद की जिस तरीके से उन्हें गायब कर दिया गया है बेसिकली वीकेंड के वॉर के वक्त,
सीनियर्स और फ्रेशर्स की असहमति के वजह से हाईएस्ट वोटिंग गई थी उनको, तो उन्हें गायब कर दिया गया है, उस पर आपका क्या है राय है? बिकॉज ऑब्वियसली शहजाद इज ऑल्सो पर्सन जो अपना मुद्दा रखते हैं एंड ऑल्सो सब कुछ तो करता है, वो मुद्दा भी रखता है, अपनी पर्सनालिटी भी है उसकी, जहाँ पे लड़ना होता है वहाँ लड़ता भी है, दोस्ती भी निभाता है, और क्या चाहिए तुम्हें? एटलीस्ट लाइक ही इज नॉट अ शैडो ऑफ समवन, ही इज नॉट अ एटीएम फॉर समवन, ही इज नॉट जस्ट देयर फॉर गिविंग मसाजेस एंड यू नो जस्ट डूइंग नथिंग, चापलूसी नहीं करता, दैट इज वन थिंग, बट ऐसे आप नहीं कर सकते किसी के साथ, कोई बेसिस तो होना चाहिए. आई डोंट नो इफ दैट हैपेंड, दैट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट एंड अनफेयर. कल के टास्क में जहाँ सीनियर्स की सारे ग्रुप ने टास्क पूरा कंप्लीट किया था, उसमें सीनियर्स जो हैं तीनों वो फिर से आपस में भिड़ गए थे बिकॉज ऑफ हीना और गौहर को लगता है कि सिद्धार्थ ने चीटिंग की है. एज अ व्यूअर आपको क्या लगता है किसने चीटिंग की है और कौन विन कर सकता है उस टास्क को? Honestly, मैंने शो नहीं देखा, ये वाला एपिसोड मैंने नहीं देखा है, बट आई थिंक जो जो सिद्धार्थ का एक यू नो टैग लाइन है विच इज साम दंड दंड पे, जैसे मर्जी काम अपना बनना चाहिए, तो मैं कुछ कह नहीं सकती. और रही रही स्टैंड की बात, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि जब हीना को और गौहर को मेरे लिए स्टैंड लेना था तब दे वर लाइक क्वाइट एंड उन्होंने एक लड़के की बात मान ली, तो अभी जो मर्जी होता रहे अभी भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, फिर अभी भी वो जो बोल रहा है वो मान लो ना, फिर यू नो फिर तो अभी भी मान लो. अगर तुम लोग ये चीज उस टाइम तुम लोग नहीं कर पाए, उस टाइम एक स्टैंड नहीं ले पाए, यू वर अगेंस्ट यू नो माई एविक्शन, उस टाइम नहीं आप अपने आप का पक्ष रख पाए, अब तो जो मर्जी करो, फिर अभी मत लड़ो ना, अभी फिर उसको महात्मा बनने दो और खुद खुद चुप करके देखते रहो, गेम देखो फिर यू नो कि वो क्या खेल रहे हैं. सो मेरे को तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं उनकी इस चीज से कि उन्होंने खुद का स्टैंड ही नहीं लिया. सारा सिद्धार्थ वाज द ओनली पर्सन जिनके वजह से आप एविक्ट हुई हैं. वेल, जानना चाहेंगे आपसे कितना शॉकिंग था कि आपका ये जाना कि सिद्धार्थ के वजह से ही आप एविक्ट हुए हैं, बिकॉज सिद्धार्थ और आपका कनेक्शन हमने देखा था, जिस तरीके से आपका कॉन्वर्जेशन हुआ था सब कुछ ऐसा लग रहा था कनेक्शन बैठ रहा है, बट सडनली सिद्धार्थ का ये डिसीजन. I have no idea. मतलब मेरे को नहीं पता इसने क्यों किया, क्या रीजन था क्या नहीं था, मैं डिजर्व नहीं करती थी ये मुझे पता है. आई डिजर्व टू बी इन द हाउस, आई डिडंट डिजर्व दिस नॉमिनेशन, और ऑफकोर्स मुझे बुरा लगा ना, इट वॉज वेरी वेरी सैड. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट इज अबाउट एवरी वन हुज वॉचिंग. यार जनता का शो है, जनता को वोट करने दो, जनता को डिसाइड करने दो, वाई आर यू गिविंग सच बिग प्रिवलेज टू समवन हु कैन एक्चुअली थ्रो समवन आउट ऑफ द हाउस? आई डोंट थिंक दिस इज राइट, नॉट एट ऑल. बिल्कुल बिल्कुल. सर रुबीना की बात करते हैं, रुबीना इन दिनों काफी बिग बॉस पर सवाल उठा रही हैं, सलमान खान के लिए भी उन्होंने कह दिया कि काफी डिसरिस्पेक्टफुल टास्क कभी कभी दे देते हैं और साथ ही साथ बोल भी देते हैं, जिस तरीके से सलमान ने वीकेंड के वॉर में कहा था कि आपका एक पर्सनल सामान जो कि अभिनव है वो घर के अंदर है अभी भी, उनको काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा ये चीज. एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने ये भी एपिसोड नहीं देखा, बट अगर ऐसा कहा है विच इज नो, आई बिलीव रुबीना बोले होंगे बहुत इस चीज पे, रुबीना ने काफी कुछ बोला होगा इस चीज पे, राइट? एंड आई रियली होप कि रुबीना काफी ज्यादा चीजें बोलते हैं, वो लॉजिकल बोलती है, बहुत चीजें बहुत लॉजिकल होती हैं, और वन सेकंड ना, या बहुत चीजें लॉजिकल होती हैं एंड विच इज ओके उनके अकॉर्डिंगली, जैसे उनको ठीक लगता है एटलीस्ट वो अपना स्टैंड तो लेती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सारा अभी सीनियर्स जो है चार कंटेस्टेंट्स को लेकर बाहर निकलने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन है ये चार कंटेस्टेंट जिससे लेकर सीनियर्स बाहर आएंगे? भाड़ में जाएं, जो मर्जी है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है. अगर मेरे को डिजर्विंग होने के बावजूद भी दे कैन थ्रो मी आउट, दे कैन डू एनीथिंग, सो इट्स आई डोंट गिव अ डैम, जिसको जो जाना है जो करना है करो. ओके सारा, अकॉर्डिंग टू यू कौन हो सकता है टॉप 3 कंटेस्टेंट फिनाले में? इजाज, रुबीना, पवित्रा. टॉप 3 और इस वक्त आपको कौन लगता है सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट है? जान कुमार सानू. निकी, सारा आपकी और निक्की की शुरुआत में काफी अच्छी दोस्ती दिखी थी, काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी थी, बट सडनली
थोड़ा डिफरेंसेस आने लगे, ऐसा क्या रीजन था जिसके वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए, दोस्ती में दरारें आई? रीजन था, निकित ने बोली कि बदतमीजी उसकी, मिस बिहेविंग विद एवरीवन, नो ह्यूमैनिटी, माँ बाप ने जो भी सिखाया होगा तो उसको अपने आप पे एप्लीकेबल नहीं किया, और शो में आए हो तो सिर्फ लड़की ढूंढने नहीं आता कोई इंसान शो में, देयर आर लॉट मोर थिंग्स इन लाइफ टू डू रेदर देन जस्ट आयरनिंग योर बॉयफ्रेंड्स कच्छास, यू नो, सो आई डोंट जेल अप विद सच पीपल, सो इट्स ओके. बढ़िया. सारा बिग बॉस के कुछ हफ्ते निकल चुके हैं, आप कितना मिस कर रहे हैं बिग बॉस को? कौन से दोस्त जो हैं आप उनसे मिलना बेसब्री से एक्साइटेड हैं कि जब भी वो घर से बाहर आएंगे तो आप जरूर उनसे मिलेंगे? यार मिस तो ऑब्वियसली होता ही है, चाहे छोटा थोड़ा कम टाइम था, बट इट वाज अ रोलर कोस्टर फॉर मी. जाज, रुबीना, जास्मिन, देन अभिनव, शहजाद, पवित्रा, एवरीबडी, जब भी आएंगे तो आई विल डेफिनेटली कैच अप विद देम. देन नाइस नाइस पीपल यार, अच्छे लोग. सारा, हमेशा जब भी सीजन आता है कोई बिग बॉस का तो ये सवाल जरूर उठता है कि बिग बॉस एक कंटेस्टेंट के लिए बायस होते हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बिग बॉस जो है वो निकी के लिए बायस्ड है हमेशा से? उनको टास्क का विजेता किया, फिर उनको टू बी कंफर्म से कंफर्म कर दिया गया, आपको लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस बायसनेस दिखाते हैं? यार बिग बॉस तो कुछ नहीं दिखा रहा है, मेरे को नहीं लगता बिग बॉस ने, बिग बॉस का है ही ऐसा कुछ. ये तो बस सिद्धार्थ जी ही हैं जो मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में, सो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट बिग बॉस. बिग बॉस ने कभी, मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ किया है. उन्होंने तो हमेशा फेयर गेम ही होता है, अगर कोई टास्क भी आता है तो उसमें सबसे पहले लिखा होता है बल का उपयोग नहीं होगा, किसी को हर्ट नहीं होगा. तो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट बिग बॉस, इट्स अबाउट द पीपल इन बिग बॉस राइट नाउ In this season. सारा, अगर सीनियर्स नहीं होते तो आपको क्या लगता है आप कितने 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 हफ्ते आप घर के अंदर रुकते हैं? सीनियर्स की मैं बात नहीं करूंगी यहाँ पे, अगर सिर्फ सिद्धार्थ ना होते, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आउट हूँ. सिद्धार्थ ना होते तो आई डेफिनेटली बी देयर इन द शो टिल द एंड. में होती इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप में, होती मैं बिल्कुल होती. ओके सारा, लास्टली कुछ फैंस से कहना चाहेंगे? काफी कुछ प्यार दिया है फैंस ने आपको इन दौरान, ट्रेंड पे चल रही थी आप ट्विटर पे, इवन सेलिब्रिटीज, एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सभी काफी शॉक थे और ये डिसीजन पे बिल्कुल भी डिसएग्री किया है लोगों ने। कुछ कहना चाहेंगी फैंस को जो जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको? आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू एवरी वन हु एक्चुअली सपोर्टेड. जैसे मैं घर से बाहर आई, आई वाज गोइंग क्रेजी कि लोगों को पता लगे कि ये चीज सही नहीं है, एंड पीपल जस्ट लव्ड मी, दे सपोर्टेड मी. इससे ज्यादा मैं कुछ मांग नहीं सकती भगवान से, कि आप डिग्निटी के साथ आए, डिग्निटी के साथ गए, डिग्निटी के साथ घर में रहे, चाहे वो सेट का टास्क हो जो मैंने नहीं किया. द पीपल फ्रॉम पंजाब रिस्पेक्टेड मी फॉर दिस, एंड दिस इज, आई कैन नॉट थैंक यू, यू नो, यू गाइस इनफ. ऑल द सेलिब्रिटीज हु पोस्टेड अबाउट मी, जो मुझे जानते भी नहीं है, यू नो, और इट्स अनफेयर विद वन पर्सन, इट्स अनफेयर, यू नो, इट डजंट मैटर हु द पर्सन इज, अनफेयर फेयर होता है. और अगर अब जनता आवाम की भी बात करें तो ऐसे लोग जो लोग जैसे बिग बॉस के थ्रू ही जानते, दे वर नॉट माई फैंस, दे वर जनता, लाइक जनता जिन लोगों ने मुझे वोट दे के आगे भेजना था, दे वर डिसअपॉइंटेड. हम देखना चाहते थे सारा को, और वाई आर यू सेंडिंग बैक? दो वो गुस्सा और जो चीजें उन्होंने वो प्यार दिखाया, उसको मैं बहुत 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 थैंक यू करती हूँ. एंड आई जस्ट वांट टू सी, इफ आई गो बैक इन द हाउस, आई विल डेफिनेटली कीप दिस इन माइंड कि मुझे क्या करना है और आप लोगों के रिस्पेक्ट को, आप लोगों को प्यार को कैसे बना के रखना है. वेल सेड.